अथ सप्तमो अध्याय काल की महिमा का वर्णन। मोनिया उचु सा सा धर नि सा पद नि सा नि ध प म ग नि सा आ दुत्पाद्यते सर्वं कालादेव विपद्यते न कालनिरपेक्षं हि क्वचित् किंचन वेद्यते। मुनिगण बोले, काल से ही सब कुछ उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। काल के बिना कहीं कुछ भी नहीं होता है। यतस्यन्तर्गतं विश्वं शश्वत संसार मंडलम् सर्वसंगीति मुद्राभ्यां चक्रवत परिवर्तते। यह सारा संसार मंडल काल के मुख में वर्तमान रहकर उत्पत्ति तथा प्रलय रूप लक्षणों से लक्षित चक्र की भांति निरंतर घूमता रहता है। नमः हरेश्च रुद्रश्च तथान्ये च सुरासुरः यत्कृतानि यतिं प्राप्य प्रभवो नति वर्तितुम् उद्भव्य भविष्याद विभज्य जलयन् प्रजः अति प्रभुरिति स्वरम् वर्ततेति भयंकरः। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा अन्य देवता एवं असुर जिसके द्वारा बनाए गए नियम को प्राप्त कर उसका उल्लंघन करने में सर्वथा असमर्थ हैं, अत्यंत भयानक वह काल भूत भविष्य वर्तमान आदि रूपों में अपने को विभक्त कर प्रजाओं को क्षीण करता हुआ सर्वसमर्थ होकर स्वच्छंदता पूर्वक व्यवहार करता रहता है। यह भगवत स्वरूप काल कौन है, यह किसके अधीन रहने वाला है और कौन इसके वश में नहीं है, हे विचक्षण इसे बताइए। वायुर्वाच कल कष्टानी मेषादि कलाकानित विग्रहम् कालकृति समाख्यातम् तेजो माहेश्वर फलम् यद्लंघ्य माशेषस्य सावरस्य चरस्य च वियोग रूपमीशस्य बलम् विश्वनियामकम्। वायु बोले, कला काष्ठा निमेश आदि इकाइयों से घटित मूर्त स्वरूप धारण करने वाला महेश्वर का परम तेज ही कलात्मक कहा गया है, जिसका उल्लंघन समस्त स्थावर तथा संगम तथा जंगम रूप वाला कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। वह ईश्वर का आदेश रूप है और विश्व को अपने वश में रखने वाला ईश्वर का साक्षात बल है। ततो निष्काम्य संक्रात विशिष्टा निर्वायसी तस्मत् काल वशे विश्व न स विश्व वशे स्थितः शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः यतो प्रतिहतं चार्वं तेजः काले प्रतिष्ठितम् महति तेन कालस्य मर्यादा हि दुरात्यया। उन परमेश्वर की अशांश रूपा शक्ति उनसे निकलकर महिमा में कालात्मा में उसी प्रकार संक्रांत हो गई है जिस प्रकार दाही का शक्ति अग्नि से निकलकर लोहे में संक्रांत हो जाती है। इसीलिए संपूर्ण जगत तो काल के वश में है, पर काल विश्व के वश में नहीं है। वह काल शिव के वश में है, किंतु शिव काल के वश में नहीं है। शिव जी का अप्रतिहत तेज काल में सन्निविष्ट है, इसीलिए काल की महान मर्यादा मिटाई नहीं जा सकती। कालम प्रज्ञा विशेषेण भूतिवर्ति तुम अर्हति कालेन तु कृतं कर्म अकशिदति वर्तते। अपनी विशिष्ट बुद्धि से भी भला कौन काल का अतिक्रमण करने में समर्थ है, कोई भी काल के द्वारा किए गए कर्म को नहीं मिटा सकता है।
एकशतामहीं कृष्णा हे पराक्रम शाश्वति हे पिनवाति वर्तन्ते कालं वेलमिवार्थयः। जो पराक्रम करके संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते हैं वे भी काल की मर्यादा को नहीं मिटा सकते, जैसे तट की मर्यादा को सागर नहीं मिटा सकते। ये निगृहीयेन्द्रिय ग्राम जयन्ति सकलं जगत् न जयन्त्यापि ते कालं कालो जयति कालमपि आयुर्वेद वेदो वैद्य ध्वनुष्ठितरसायनः मृत्युमाति वर्तन्ते कालो हि दुरतिक्रमः। जो लोग इंद्रियों को वश में करके सारे संसार को जीत लेते हैं वे भी काल को नहीं जीत पाते, अपितु काल ही उन्हें जीत लेता है। आयुर्वेद के ज्ञाता और रसायन का प्रयोग करने वाले वैद्य भी मृत्यु को नहीं टाल सकते क्योंकि काल दुरतिक्रम है। अन्य चिंताया ते जन्तु कालोन्य कुरुते बला। श्री रूप शील बल और कुल के द्वारा प्राणी कुछ और सोचता है किंतु काल बल पूर्वक कुछ और ही कर देता है। अप्रिय प्रियश्चैव यचिन्तेत समागमः संयोजयति भूतानि वियोजयति चेश्वरः। वह सामर्थ्यशाली काल प्रिय और अप्रिय घटनाओं के अकल्पित समागम के द्वारा कभी प्राणियों का संयोग और कभी वियोग प्राप्त कराता रहता है। यदैव दुःखितः कश्चित् तदैव सुखितः परः दुर्विज्ञेय स्वभावस्य कालचाहु विचेतता। जिस समय कोई दुखी रहता है उसी समय कोई दूसरा सुखी रहता है। अहो कठिनता से जानने योग्य स्वभाव वाले काल की कैसी विचित्रता है। यो युवा संभवे वृद्धो यो बलियं च दुर्बलः यः श्रीमान् सोऽपि निःश्रेयः परश्चित्रगते द्विजः नाभिजथ्यं न वैशील न बलं न च नैपुणम् कार्याय पर्याप्तं कालश्चेत् प्रतिरोधकः। जो युवा है वह वृद्ध हो जाता है, जो बलवान है वह दुर्बल हो जाता है, जो श्री संपन्न है वह निर्धन भी हो सकता है। हे ब्राह्मणों काल की गति बड़ी विचित्र है। काल के प्रतिकूल होने पर कुलीनता शील सामर्थ्य तथा कुशलता ये कोई भी गुण काल सिद्धि में सफलता नहीं दे पाते। ये चानाथाः परान्नादाः परस्तेषु समाक्रियः। जो प्राणी सनाथ हैं, दानशील हैं और जिनका मनोरंजन गीत वाद्यादि के द्वारा किया जाता है वे लोग, और जो अनाथ हैं तथा दूसरे के द्वारा दिए गए अन्न का भोजन करते हैं उन सभी के प्रति काल समान व्यवहार वाला होता है। काले सम्यक् प्रत्युक्तान्यपीचोषधानि तान्येव कालेन समाधितानि सिद्धिं प्रायान्त्याशु सुखं दिशन्ति न कालतोऽयं ह्रियते जायते वा न कालतः पुष्टि असमय में अच्छी तरह से प्रयोग में लाए गए रसायन तथा औषध कारगर नहीं होते हैं किंतु समय से दिए जाने पर वे ही सफल होते हैं तथा सुख प्रदान करते हैं। यह जीव बिना समय के न मरता है, न जन्म ही लेता है, न उत्तम पोषण ही प्राप्त करता है। बिना काल के कोई सुखी अथवा दुखी भी नहीं होता है। इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो अकालिक हो। कालेन शीतः अतीवातीवातः कालेन वृष्टे जलदानुपैति कालेन चोष्मा प्रशमं प्रयाति कालेन सर्वं सफलत्वमेति।
समय से ही ठंडी हवा चलती है, समय से ही मेघों की वर्षा होती है और समय से ही गर्मी शांत होती है। काल से ही सब कुछ सफल होता है। काल ही सभी की उत्पत्ति का कारण है। समय पर ही फसलें होती हैं और समय पर ही फसलें कटती हैं। काल से ही सब लोग जीवित रहते हैं। एतं कालात्मानस्तत्त्वं यो विजानाति तत्त्वतः कालात्मानमतिक्रम्य कालातीतं सुपश्यति। इस प्रकार जो कालात्मा के तात्विक स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है वह कालात्मा का अतिक्रमण कर काल से परे निर्गुण परमेश्वर का दर्शन कर लेता है। यस्य कालो अच बंधमुक्ति नायं पुमान कीर्ति नैश्वं विचित्र रूपाय शिवाय तस्मै नमः परस्मै परमेश्वराय। जिसका न काल है न बंधन है और न मुक्ति है, जो न पुरुष है न प्रकृति है न विश्व है, उस विचित्र रूप वाले परात्पर परमेश्वर शिव को नमस्कार है। शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवी संहितायां पूर्व खंडे काल महिम वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत सातवीं वायवी संहिता के पूर्व खंड में काल महिम वर्णन नामक सातवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।